कन्हैयालाल के नृशंस हत्या के बाद जगह जगह प्रदर्शन है। हत्यारों को फांसी पर चढ़ाने की मांग की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई और अब एनआईए और एटीएस की टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। खंगाला जा रहा है कि कहां कहां से आतंकियों के कनेक्शन थे। हत्या के चारों आरोपियों को जयपुर की एक अदालत में पेश किया गया था। अदालत में पेशी करने के पहले आरोपियों को लेकर पुलिस दल एटीएस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कार्यालय पहुंची थी। इस दौरान एनआईए की टीम ने सभी सबूत जमा किए, जिसके बाद कन्हैयालाल हत्याकांड के दो मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अख्तरी गौस मोहम्मद और इसके साथ ही आसिफ और मोहसिन को अदालत में पेश किया गया। इस दौरान सुरक्षा कारणों से अदालत और शहर के मुख्य इलाकों के साथ अन्य जगह पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। लेकिन आपको देखनी चाहिए वीडियो कि जब इन आरोपियों को कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया और कोर्ट की मंजूरी के बाद जब पुलिस आरोपियों को ले जा रही थी तो इस दौरान वकीलों ने उन पर जमकर हाथ साफ किए। कोर्ट में सुनवाई के बाद वापस लौटते समय वकीलों ने चारों को निशाने पर लिया, बोतल फेंक कर मारी, बाल नोच लिए, कपड़े फाड़ डाले, लात घूंसे भी बरसाए। पेशी के दौरान ही आरोपियों पर यह हमला हुआ। उन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन उसके बावजूद आरोपियों को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। पहले तो करीब 5 घंटे तक लगातार नारेबाजी होती रही। वकील फांसी की मांग करते हुए कोर्ट में घुस गए तो सुनवाई रूम का दरवाजा बंद करना पड़ा, लेकिन जब वो बाहर निकले तो जूते चप्पल और डंडों से पिटाई हुई। जब पुलिस उन्हें गाड़ी पर चढ़ा रही थी उस दौरान भी लोगों ने थप्पड़ों से उनकी पिटाई की। इस पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि जब उन्हें पुलिस की गाड़ियों में चढ़ाया जा रहा था तभी उसके पीछे लोग पुलिस की सुरक्षा के बीच उन्हें पीटते हैं। एक आरोपी की गर्दन पकड़ते हुए उसे पीछे से थप्पड़ भी मारते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि पुलिस एक एक करके उन चारों आरोपियों को गाड़ी में चढ़ाती है। पुलिस ने किसी तरह इन्हें खींचकर गाड़ी में बैठाया और रवाना किया। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों की पेशी से पहले यहां मौजूद वकीलों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की थी। आपको बता दें कि उदयपुर की घटना में जो बाद में दो और आरोपी मोहसिन और आसिफ गिरफ्तार किए गए हैं, ये दोनों मुख्य आरोपी गौस और रियाज के साथ साजिश और वारदात में शामिल थे। वारदात वाले दिन मौके पर 2 बाइक लेकर मौजूद थे, ताकि अगर वो पकड़े जाते तो भीड़ से छुड़ा कर ले जाएं। अगर आरोपियों की बाइक स्टार्ट नहीं होती तो उन्हें बाइक पर ले भागे। इन दोनों आरोपियों को इस घटना की प्लानिंग के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर कन्हैयालाल दुकान नहीं खोलता तो कन्हैयालाल को घर में घुसकर मारने की प्लानिंग चल रही थी। फिलहाल जिस तरह से इन आरोपियों को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कन्हैयालाल की मौत को लेकर जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को भी मिला। फिलहाल देखना होगा कि कोर्ट इन चारों आरोपियों को क्या सजा सुनाएगी और कब तक कन्हैयालाल की मौत का इंसाफ होगा। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।